हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ एंड आई होप कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो टुडेज वीडियो इज़ गोना बी वेरी इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में कपल्स के कितने एक्सपेंसेस होते हैं। सो ऑल दोज पीपल जो एज ए कपल ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे हैं या पहले से कोई एक रह रहा है और अपने पार्टनर को बुलाने वाला है, तो वो इस वीडियो से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि उनको पता चलेगा कि यहाँ पर उनके एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। और मैं बिल्कुल एक बेसिक एक्सपेंसेस जो हैं आप लोगों से मंथली जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो भाई अभी मैं जा कहाँ रही हूँ? अभी मैं जा रही हूँ बीच पर। मेरा दिल चाह रहा था आज बीच पर जाने का, मौसम भी थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए हम जाएंगे वहाँ पर। साथ साथ आपको दिखाएंगे बीच और साथ साथ मैं आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ। तो कार हम लोगों ने किया थोड़ी सी दूर पार्क, यहाँ से हम पैदल चलते हुए जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाते हैं। और अब बारी आ गई है कि मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो सबसे बड़ा खर्चा है, डेट इज़ हाउस रेंट। हाउस रेंट में भी दो चीज़ें आ जाती हैं, या आप शेयरिंग पे रह रहे हो या आप सेपरेट रह रहे हो। अगर तो सेपरेट है तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, अगर सेपरेट नहीं है तो शेयरिंग में है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। शेयरिंग में आप कह लें 900-2000 तक आपको मिल जाता है आराम से सुकून से। और अगर आप लोग रह रहे हैं सेपरेट, तो सेपरेट में डिपेंड करता है कि आपने टाउन हाउस लिया है या बड़ा घर है, तो फिर भी हम एक रफ़ एस्टिमेट लगाएंगे तो 1500-2000 तक आपका सेपरेट में रेंट होगा। तो ये हो गया जी घर का रेंट, इसके अंदर यूटिलिटी बिल्स बिल्कुल भी नहीं है, वो हम अलग से उनकी बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं जी यूटिलिटी बिल्स की, जिसके अंदर आ जाता है आपका वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड थर्ड वन इज़ गैस बिल। ठीक है, जैसे हम लोगों ने घर की बात की, सेपरेट या शेयरिंग सेम सिनेरियो इसके अंदर आ जाता है। अगर तो आप लोग सेपरेट रह रहे हो तो सारे तीनों बिल्स आप लोगों को फुल खुद से पे करने हैं। अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हो तो वो डिवाइड हो जाते हैं दो लोगों में, डिपेंड करता है आपने शेयरिंग पर कितने लोगों को रखा हुआ है। सही है जी। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो मंथली बेसिस पे आता है, हमारा जो है वो मंथली आता है, और गैस का हमारा बिल 2 मंथ्स बाद आता है, और वाटर बिल जो है वो क्वार्टरली आता है, मतलब कि 3 मंथ्स बाद आता है। ठीक है, तो मैं एक बेसिक बात करूँगी कि बिल्स सारे मिलाकर कितने होते हैं। ऑलमोस्ट आप कह लें 200 तक आपके तीनों बिल्स हो जाते हैं, 200 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक बेसिक बात करेंगे तो 150-200 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अपॉन द यूसेज। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी का हम देखें, एसी ऑन हो रहा है, हीटर ऑन हो रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर तो आप एसी नहीं ऑन करें तो थोड़ा कम होगा। सो एक बेसिक हम लोग बोलते हैं कि ये तीनों जो हमारे बिल्स हैं 150-200 डॉलर्स में ये कवर हो जाते हैं। ठीक है, बट बात ये है कि अगर आप लोग सेपरेट रह रहे हैं तो ये ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली। अगर मैं शेयरिंग वालों की बात करूँ तो आई थिंक 150 डॉलर ठीक है, 150 डॉलर्स में कवर हो जाते हैं। तो अगर आप सेपरेट रह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन ये है कि सेपरेट में अगर आप अकेले हैं तो आपका यूजेज भी उसी हिसाब से होगा, बट स्टिल 200 या 220 तक आपके बिल्स चले जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर तो आप कपल हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आपकी कपल इंश्योरेंस होगी, और ये भी मंथली बेसिस पर जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या कवर करती है? जैसे हम लोग अगर जीपी के पास जाते हैं तो वो हमारी उनकी जो फ़ी है वो इंश्योरेंस में से ही पे होगी, और डिपेंड करता है आप कौन सी इंश्योरेंस लेते हो और वो क्या क्या कवर करती है। अगर आपने किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो वो इंश्योरेंस कवर नहीं करती। जैसे अब मेरी, हम लोग की जो इंश्योरेंस है वो NIB की है, और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 120 डॉलर से भी स्टार्ट होती है, 150-200 से लेकर 350-400 डॉलर तक जाती है। डिपेंड करता है कि आपने इंश्योरेंस कौन सी लिए, क्योंकि इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स काफ़ी सारे हैं, बूपा है, NIB है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारी इंश्योरेंस है वो NIB है, और हम लोग इंश्योरेंस का पे करते हैं $350। सो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ली है, 150 से लेकर ये चली जाती है 400 तक चली जाती है। ठीक है, तो आप इसमें से 150 वाली भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो। वैसे मैं ये कहूँगी कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर आप जीपी के पास जाओगे तो वो कुछ भी नहीं करने वाला आपका,
शैले में डॉक्टर्स कुछ भी नहीं करते, आपको जो मर्ज़ी हो जाए वो आपको मेडिकेशंस नहीं देते, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैनाडॉल दे देंगे, डैट्स इट। या फिर बहुत थोड़ी सी भी सीरियस बात हो जाती है तो वो बोलते हैं कि वो रेफ़र कर देते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास चल जाओ, और स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो फिर तो आपको वो इंश्योरेंस कवर नहीं करती, वो आपको खुद से ही पे करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस का बोलेंगे $150 सेव, क्योंकि मैक्सिमम 400 तक भी जाती है, इससे ज़्यादा आई डोंट नो अगर जाती है कि नहीं जाती, लेकिन मैं बोलूँगी $150 to $350 तक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है। अगली चीज़ जो है वो है ग्रॉसरी। ग्रॉसरी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ खाते हो, मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर तो आपकी ग्रॉसरी थोड़ी कम में हो जाएगी, अगर आप लोग मीट भी लेते हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा में हो जाएगा। मैं अपने हिसाब से बताती हूँ तो हमारी ग्रॉसरी जो है अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो $150 तक हो जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग मंथली करेंगे तो 600, बट 600 से कभी कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है। जैसे कभी कभी हम लोग बाहर खाना खा लेते हैं तो ऐसा होता है वीकेंड पे अगर आप चले जाओ बाहर तो कुछ वहाँ पर लग जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग घर में ही खा रहे हो तो आई थिंक 600 to 700 आप कह लो कि आपकी 600 में भी आपकी अच्छी ग्रॉसरी हो जाती है, इसमें आप अच्छा खा सकते हो, अच्छी चीज़ें देख कर खा सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने, साथ ही मैं ये चीज़ भी ऐड कर देती हूँ, अगर आप लोगों ने बाहर खाना खाना है तो जैसे अगर तो आप जंक फूड ले रहे हो वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी, अगर आप जो है जैसे देसी खाना होता है वो खाने जाते हो तो फिर ये है कि कपल अगर खाए एक टाइम में तो मेरे ख्याल से $80 to $100 या $80 तक आप कहने लग जाता है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ बेसिक चीज़ की, तो ग्रॉसरी में बोलूँगी कि 600 to 700 में आपकी ग्रॉसरीज हो जाती है मंथली, और इसमें आप अच्छा खाना खा सकते हो। नेक्स्ट इस चीज़ की मैं बात करने वाली हूँ वो है कार एक्सपेंसेस। अगर तो आपके पास कार है तो उसके एक्सपेंसेस होंगे, और मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सबके पास होती है, एक नेसेसिटी है, उसके बगैर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाता है हमारे पास एक तो कार का फ्यूल, सेकंड चीज़ है कार के इंश्योरेंस। इंश्योरेंस डिपेंड करता है आपने कौन सी इंश्योरेंस ली है, मेरे पास इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी एक होती है कंप्रीहेंसिव और एक होती है थर्ड पार्टी। कंप्रीहेंसिव में ऐसा होता है कि अगर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जो जिसकी गाड़ी को आपने मारा है उसको भी कवर करेगी, और जो आपकी गाड़ी है उसको भी कवर करेगी। ठीक है, और जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो सिर्फ उसी की कार को कवर करता है जिसकी कार को आप लोगों ने हिट किया, कुछ ऐसा ही होता है। तो कार इंश्योरेंस मेरे हमारी जो करती है वो है $150। ठीक है, इससे कम भी होती है, लेकिन हम लोग एक बेसिक लेकर चलते हैं तो मेरे ख्याल से $100 to $150 होता है। ठीक है, इसके अलावा है फ्यूल एक्सपेंसेस। फ्यूल एक्सपेंसेस भी ऑब्वियसली कार पर ही डिपेंड करता है कि आपने कौन सी रखी हुई है, लेकिन फिर भी आपका $130 to $180 मंथली लग जाता है, इसमें हो जाता है कवर, इससे ज़्यादा आई थिंक नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 200 भी हो जाता होगा, लेकिन हम $150 to $160 तक ही इसको रखते हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मोबाइल बिल्स। मोबाइल बिल्स भी मंथली बेसिस पर पे होते हैं, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि $40 to $50 लग जाते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन सा नेटवर्क लिया हुआ है, लेकिन फिर भी $40 to $50 इसमें जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गए हमारे मोबाइल बिल्स। इसके अलावा होता है वाईफाई भी, अगर आप लोगों ने वाईफाई लगवाया हुआ है। हम लोगों ने वाईफाई नहीं लगवाया, मेरे जो मोबाइल में ही मुझे मेरी सिम जो है उसमें 200 GB मुझे नेट मिल जाता है, मेरे लिए वो बहुत इनफ होता है पूरे मंथ के लिए, तो इसलिए मैं वाईफाई नहीं लेती। तो मैं इसका यही बोलूँगी कि $50 तक हमारे जो है मोबाइल बिल्स जाते हैं। सो इन सब चीज़ों के साथ आई वुड से कि यहाँ पर आपका अगर बिल्कुल बेसिक देखा जाए तो 2300 से 2500 तक आपके एक्सपेंसेस हैं कपल के। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लग्जरी करते जाते हो, घर अच्छा लेते हो, सब कुछ, तो फिर 3000 तक भी जा सकते हैं। ठीक है जी, तो और कुछ ये होता है कभी मेडिकेशन हो जाती हैं, कभी हम लोगों को एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी पड़ जाती है, तो ये सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। ठीक हो गया, तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कॉमेंट करें। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।